और मैंने लश्कर के जो कैंप मानसेरा गढ़ी अबीबुला में 21 दिन की ट्रेनिंग की पहले, उसके बाद 5 महीने का दौरा खास मुजफ्फराबाद में, पहले तो हम 2 महीने दक्कन में रहे, उसके बाद 2 महीने अम्बोर में, और आखिरी हमारा आखिरी महीने में अक्सा में रहा। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग के दौरान 2 मरतबा, एक मरतबा हाफिज़ सईद और दूसरी मरतबा ज़कीर रहमान लखवी, ये 2 एक मरतबा आए, और ज़कीर रहमान लखवी ने हमें इस्तकामत के बारे में डटे रहना और यही कि हमने जिहाद करना ये बोला। और उसके बाद मई में 2017 में हमारा लश्कर हुआ, और लश्कर के बाद हमारी बर्फानी ट्रेनिंग हुई 2018 के जनवरी में, और 2 महीने चली, और इसी के दौरान मैं 6 महीने बॉर्डर एरिए 2 दनियाल पे भी रहा हूँ। उधर पहला चक्कर हमने इंडिया की पोस्ट शालू पे लगाया, और उधर से क्रॉसिंग के लिए, तो हमारी क्रॉसिंग नहीं हुई, आगे से इंडियन आर्मी ने फायर किया तो हम वापस आ गए, और दूसरी मरतबा हम इंडिया की पोस्ट डेंग वाली पे गए तो वहाँ से हमारी क्रॉसिंग हुई, और बाकी हम क्रॉस होने वाले अंदर चले गए इंडिया में और हम वापस आ गए। उसके बाद तीसरी मरतबा हम इंडिया की पोस्ट चट्टा भट्टा पे गए, और वहाँ से हमने, हमें यही हदफ था कि माइन लगा के इधर कार्रवाई करो, तो 4 बंदे आगे गए, माइन लगाई उन्होंने इंडिया की पोस्ट की चट्टा भट्टा की, जो सप्लाई वाला रास्ता था उनका गुजरने का, वहाँ पे माइन लगाई, 1.5 किलो की और 1.5 किलो की। माइन लगाने के बाद वो वापस आए, और हमने अगले दिन वो माइन ब्लास्ट की, और भारतीय फोर्सेस के 2 जवान उसमें मारे गए। और 3 दिन बाद आर्मी जब एरिया सर्चिंग के लिए आए तो फिर हमने दूसरी माइन भी ब्लास्ट करने की कोशिश की, और जो हमारा रिमोट था उसके सेल ख़त्म हो गए, और फिर हम वो छोड़ के वापस चले गए। और उसके बाद मैं जमगढ़ सेक्टर पे चला गया मुजफ्फराबाद के, और वहाँ से मैं 2 मरतबा दुरमट गया, और वहाँ पे 2 मरतबा क्रॉसिंग की कोशिश की, और हमारा ग्रुप वहाँ से वापस आ गया, क्रॉसिंग नहीं हुई। और उसके बाद फिर मैं 2 दनियाल सेक्टर मुजफ्फराबाद के इधर से एक और चक्कर लगाया बॉर्डर पर जुम्मागढ़ नाले से, तो वहाँ बाढ़ हमने मुकम्मल काटी, और यहाँ के हमारे ऊपर फायर हुआ और 3 बंदे जख्मी हुए, उनमें एक दर्दा भी था जो हमारे साथ इधर बॉर्डर क्रॉस करके इनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद एक मरतबा हमारा एक और ग्रुप गया बॉर्डर पे जो क्रॉसिंग के लिए गया, और क्रॉसिंग वाले दाएं जाने की बजाय बाएं गए, और बाएं तरफ से बाढ़ घूम रही थी, तो उधर से उनको लगा कि बाढ़ इधर डबल है, और वो परेशान होकर वापिस आए, तो उनकी परेशानी में एक दूसरे से मुंह मारी हुई, तो उनमें से एक ने बोला कि इधर ही रहना है, अंदर जाना है और पीछे नहीं जाना, तो वो दोनों छोड़ के उसे उधर ही और वापस चले गए। तो सुबह जब इंडियन आर्मी ने उसे देखा तो निशाना बनाया, और वो उसके बाद हैली आ गया एरिया सर्च करने के लिए, और हैली ने उन दोनों को भी देखा, और आगे जो गाइड जा रहे थे वापस उनको भी देखा, हैली ने उनके ऊपर फायर शुरू किया, और उन्होंने भी फायर करते करते दौड़ लगाई और एरिया इंडिया का छोड़ा, एलओसी में दाखिल हुए। और जब इंडिया का हैली जब एलओसी पे आया तो पाकिस्तानी पोस्टों ने भी उसे रॉकेट मारे,